मायसेल्फ अर्चना गुप्ता, लेक्चरर ब्यूटी कल्चर, गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, अजमेर। आज मैं आपको एस्ट्रोजन और हेयर स्प्रे बनाना सिखाऊंगी। एस्ट्रोजन स्किन टोनर की तरह ही एस्ट्रोजन भी त्वचा के लिए फ़ायदेमंद होता है और त्वचा के तंतुओं को बांधे रखने में भी मदद करता है। साथ ही ये त्वचा में कसाव भी लाता है। एस्ट्रोजन त्वचा को ठंडक देता है। यह ऑयली और सेंसिटिव स्किन पर काम करता है। साथ ही त्वचा की कोशिकाओं में रक्त संचार को बढ़ाकर उसे संतुलित करता है। कोशिकाओं की सफाई करके उसमें मौजूद सीबम का जो स्तर होता है उसको बढ़ाता है। एस्ट्रोजन का मुख्य कार्य ये होता है कि त्वचा के पोर्स को छोटा करता है, क्योंकि बड़े और जो खुले हुए पोर्स होते हैं उनमें गंदगी और बैक्टीरिया आसानी से स्किन में घुस जाती है। तो इसका जो मुख्य काम होता है यह हमारी स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको छोटा करता है। साथ ही एस्ट्रोजन पोर्स को छोटा करके उसमें ब्लैकहेड, कील, मुहासों से हमारी त्वचा को बचाता है। एस्ट्रोजन को दिन में 3 से 4 बार प्रयोग किया जा सकता है। और अगर हमको फेस को साफ करना है तो कॉटन में एस्ट्रोजन लेकर के चेहरे को हम क्लीन कर सकते हैं। एस्ट्रोजन को मैं आपको 2 मेथड से बनाना सिखाऊंगी, एक हर्बल मेथड से और एक केमिकल मेथड से। हर्बल मेथड में हम फिटकरी लेंगे 1 छोटा चम्मच, देसी कपूर लेंगे 1/2 छोटा चम्मच और डिस्टिल वाटर लेंगे हम 50 ml। और केमिकल मेथड से अगर हम एस्ट्रोजन बनाते हैं तो उसमें हम लेंगे बोरिक एसिड 1/2 टीस्पून, एल्कोहल 5 ml, डिस्टिल वाटर 50 ml। कलर और परफ्यूम को हम इच्छा के अनुसार उसमें डाल सकते हैं या काम में ले सकते हैं। अगर हम हर्बल एस्ट्रोजन बना रहे हैं तो उसमें हम फिटकरी और देसी कपूर का यूज़ करेंगे। तो फिटकरी में क्या गुण होते हैं? फिटकरी एंटीसेप्टिक होती है, साथ ही ये सफ़ेद रंग की होती है और आफ्टर शेव लोशन बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। फिटकरी स्किन के जो पोर्स होते हैं उनको, स्किन को साफ तो करती है साथ ही जो पोर्स होते हैं उनको टाइट करती है। इसमें एस्ट्रोजन गुण भी बहुत ज़्यादा होता है और एंटी एजिंग के प्रभाव को भी ये कम करती है। देसी कपूर में एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, एंटी फंगल गुण भी होता है और ये हमारे स्किन के साथ साथ हमारे हेयर के लिए भी बहुत यूज़फुल होता है कि अगर हमारे बालों में डैंड्रफ है तो नारियल के तेल में हम देसी कपूर को मिला करके और लगा सकते हैं तो उससे डैंड्रफ हमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। साथ ही इसमें हीलिंग गुण भी होता है और हमारे चेहरे के जो दाग धब्बे होते हैं उनको भी यह कम करता है। डिस्टिल वाटर हम कॉस्मेटिक बनाने में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि कॉस्मेटिक जब हम बना रहे हैं तो हम अगर प्राकृतिक पानी यूज़ करेंगे तो उसमें कई मिनरल्स होते हैं तो वो हमारा जो कॉस्मेटिक है प्रॉपर नहीं बन पाता। तो डिस्टिल वाटर को प्राप्त करने के लिए हम जो प्राकृतिक पानी होता है उसमें कई अशुद्धियाँ होती हैं, तो शुद्ध पानी को प्राप्त करने के लिए हम उस पानी को गर्म करते हैं या उसका वाष्पीकरण किया जाता है और फिर जो वाष्प हमको मिलती है उसको ठंडा करके हम शुद्ध पानी या डिस्टिल वाटर को हम प्राप्त कर सकते हैं। अब अगर हम केमिकल मेथड से अगर हम एस्ट्रोजन बना रहे हैं तो हम उसमें डालेंगे बोरिक एसिड, उसमें यूज़ करेंगे हम बोरिक एसिड, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और डिस्टिल वाटर। तो बोरिक एसिड में भी एंटीसेप्टिक गुण होता है, बैक्टीरिया और फंगस के विकास को रोकता है, साथ ही ये पानी को शुद्ध भी करता है। नेक्स्ट है हमारा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो है ये एंटीबैक्टीरियल होता है, ये त्वचा की जलन को कम करता है और त्वचा को ठंडक देता है और इसका यूज़ आफ्टर शेव लोशन, हैंड लोशन और सैनिटाइज़र बनाने में किया जाता है। अब मैं आपको इनका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। साथ ही ये है कि अगर हम इस एस्ट्रोजन में अगर कलर परफ्यूम भी मिलाना चाहें तो वो हम अपनी इच्छा के अनुसार मिला सकते हैं। कलर और परफ्यूम ऐसा डालना चाहिए हमको एस्ट्रोजन में जो कि हमारी स्किन को इरिटेट ना करे या हमको इरिटेट ना करे, और अगर हम नहीं डालना चाहते तो वो हमारी इच्छा है। एस्ट्रोजन बनाने के बाद हम उसको इस टाइप की बॉटल में भी पैक कर सकते हैं जो कि फ्लिप टॉप ढक्कन वाली बॉटल होती है,
इससे बूंद बूंद करके हम उसको कॉटन में लेके यूज़ कर सकते हैं। साथ ही स्प्रे वाली जो बॉटल होती है उसमें भी हम इसको फिल कर सकते हैं और स्प्रे फॉर्म में हम इसको अपने स्किन पे स्प्रे करके फिर यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। हाथ दिखाना है। सबसे पहले मैं आपको हर्बल एस्ट्रोजन बनाना सिखाऊंगी, तो उसके लिए मैं डिस्टिल वाटर लूँगी 50 ml। तो 50 ml के लिए मैं ये मेजरिंग ये लूँगी बीकर, और इसमें मैं 50 ml डिस्टिल वाटर लूँगी। ये 50 ml मैंने इसमें डिस्टिल वाटर लिया है। अब मैं इसको कांच के बाउल में डालूँगी। उसके बाद मैं इसमें एक छोटा चम्मच फिटकरी का ऐड करूँगी और इसको हिलाऊँगी। उसके बाद इसमें मैं आधा छोटा चम्मच देसी कपूर का लूँगी, आधा छोटा चम्मच देसी कपूर का लूँगी और उसको मैं इसमें डिस्टिल वाटर वाले में डालूँगी। कोई भी केमिकल अगर हम यूज़ करते हैं तो उसका हमको तुरंत ढक्कन लगाना चाहिए और पैक करके उसको रखना चाहिए। अब मैं इसको मिक्स करूँगी, इस हर्बल एस्ट्रोजन को मिक्स करके, और मैं इसको बॉटल में भर के और धूप में रख दूँगी 2 से 4 दिन तक। उसके बाद मैं इसको छान के और बॉटल में भर के फ्रिज में रख लूँगी। फिर जब भी मेरे को इसको यूज़ करना होगा तो मैं कॉटन में लेकर के इसको और फिर अपने फेस को क्लीन करूँगी। इस तरह से ये हर्बल मैंने एस्ट्रोजन बनाया। अब मैं आपको केमिकल मेथड से एस्ट्रोजन बनाना सिखाऊंगी। अब मैं आपको केमिकल मेथड से एस्ट्रोजन बनाना बताऊंगी। ये ग्लास बीकर है मेरे पास, इसमें मैं 50 ml डिस्टिल वाटर लूँगी। ये मैंने इसमें 50 ml डिस्टिल वाटर लिया है, इसको ग्लास बाउल में ट्रांसफ़र किया। अब मैं इसमें बोरिक एसिड मिक्स करूँगी, 1/2 teaspoon बोरिक एसिड। बोरिक एसिड मिलाने के लिए थोड़ा सा इसको चलाना पड़ेगा क्योंकि वो इजीली इसमें मिक्स नहीं होता है। अब इसमें मैं अल्कोहल हमेशा टाइट कैप लगा के उस बॉटल को रखना चाहिए, नहीं तो ये अल्कोहल उड़ जाता है। अब इसमें मैं अल्कोहल मिक्स करूँगी, अल्कोहल में लूँगी 5 ml। 5 ml के लिए मैं ये प्लास्टिक वाला जिसमें कि 5 ml का मेजरमेंट है, इससे मैं 5 ml को, ये मैंने 5 ml लिया है और अब मैं इसमें इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स करूंगी। ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें बोरिक एसिड। इसको भी हम छान के और फिर बॉटल में भरेंगे। इन दो तरीके से हम एस्ट्रोजन बना सकते हैं। ये हमारा हर्बल मेथड से है ये वाला एस्ट्रोजन, और ये वाला हमारा केमिकल मेथड से एस्ट्रोजन है। अब मैं आपको हेयर स्प्रे बनाना सिखाऊंगी। हेयर स्प्रे वह कॉस्मेटिक है जो कि बालों की अपीयरेंस को सुंदर बनाता है। हेयर स्प्रे का मुख्य कार्य हेयर स्टाइल को लंबे समय तक टिकाकर रखना है, और हेयर स्टाइल ज़्यादा आसानी से बनाई जा सकती है अगर हम इसका हेयर स्टाइल बनाते समय इसका हेयर स्प्रे का यूज़ करें तो। हेयर स्प्रे एरोसोल और पंप एक्शन दो उसमें होते हैं। तो एरोसोल वाले हेयर स्प्रे जो होते हैं वो हल्की फुहार वाले होते हैं और जल्दी सूख जाते हैं, और इनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जबकि पंप एक्शन वाले जो हेयर स्प्रे होते हैं ये भारी होते हैं और जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फाइन हेयर होते हैं उनको फोल्ड नहीं दे पाते। हेयर स्प्रे का यूज़ हमेशा
जब भी हम करते हैं तो बालों से 6 से 10 सेंटीमीटर की दूरी रख करके हमको यूज़ करना चाहिए। ज़्यादा पास से करेंगे तो हमारे बाल चिपचिपे हो जाएंगे और गीले होंगे। और हेयर स्प्रे कई फॉर्म्स में होते हैं, जैसे एरोसिल स्प्रे, कंडीशनिंग हेयर स्प्रे, स्टाइलिंग स्प्रे, वॉल्यूमाइज स्प्रे, स्प्रे ऑन शाइन यानी कि ग्लिटर स्प्रे जिसके अंदर ग्लिटर्स होते हैं। अब मैं आपको हेयर स्प्रे कैसे बनाते हैं वह बताऊंगी। हेयर स्प्रे बनाने के लिए हमें क्वीन सीड्स चाहिए। क्वीन सीड्स को हिंदी में हम बोलते हैं बही दाना के बीज। वो हमको चाहिए 2 टेबल स्पून, ग्लिसरीन 2 ml, वॉर्म डिस्टिल वाटर 8 ml, एल्कोहल 1 ml और सोडियम कार्बोनेट 1 ml और परफ्यूम 1 ml। तो इसके लिए हमको जो क्वीन सीड्स होते हैं उनको 24 घंटे पहले हमको गर्म पानी में भिगोना है। फिर उसके बाद जब 24 घंटे के बाद फिर हमको उसको छानना है और उसमें फिर हमको जो छना हुआ हमारा जो उसमें आया है पार्ट उसके अंदर हमको सोडियम कार्बोनेट और अल्कोहल को मिक्स करना है। सोडियम कार्बोनेट 1 ml और जो हमारा अल्कोहल है 1 ml, उन दोनों को हमको उसमें मिक्स करना है और फिर उसमें हम ग्लिसरीन ऐड करेंगे और फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसके अंदर हम परफ्यूम मिला देंगे और फिर हम उसको स्प्रे फॉर्म वाली स्प्रे बॉटल्स होती हैं, जैसे ये हमारी स्प्रे बॉटल है, इस टाइप की जो बॉटल होती हैं स्प्रे वाली, उसके अंदर हम इसको भर देंगे और जब भी हम हेयर स्टाइल बनाएंगे तब हम उसको हेयर स्प्रे को यूज़ करेंगे।